हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। राजस्थान गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र में भी केंद्र सरकार को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान की तरह बदलाव करने की सलाह दी है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में क्या चेंजिंग हुए हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहेगी, इसमें स्टेट वाइज कितने नंबर का फर्क पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो देखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में चेंजिंग क्या हुई है। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है। 2019 में केंद्र सरकार ने सवर्ण जाति उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में जो उम्मीदवार आते हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखा था और ये 2019 में लागू भी कर दिया था। अभी इसकी कुछ कंडीशन यह थी कि जिन कैंडिडेट के फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो या फिर कैंडिडेट के फैमिली में 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा नहीं हो और 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आवासीय भूखंड ना हो और म्युनिसिपलिटी एरिया में 100 वर्ग गज से ज़्यादा आवासीय भूखंड नहीं हो, अगर ये कोई कैंडिडेट कंडीशन फुलफिल करता है तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाकर 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है। ये कंडीशन थी पहले। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इन नियमों में बदलाव कर दिया है और जमीन व फ्लैट की सारी शर्तें हटाकर सारी शर्तें हटा दी गई हैं। बस अभी एक ही शर्त रखी है कि जिस कैंडिडेट की फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो कैंडिडेट 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ ले सकता है। तो अभी ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना आसान हो गया है। सर्टिफिकेट बनाते समय सिर्फ आपको 8 लाख रुपए एनुअल इनकम से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। मैं आपको यह बता दूं कि अभी ये रूल राजस्थान गवर्नमेंट ने ही लागू किया है और ये 20 अक्टूबर 2019 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्र व बाकी जगह भी लागू करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि ये सेंटर में भी राजस्थान की तरह जमीन व फ्लैट की कंडीशन हटाकर सिर्फ 8 लाख से कम सालाना आय वाले कैंडिडेट को इसका फायदा दिया जाए तो शायद बाकी जगह भी ये जल्दी ही लागू हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन का कौन कौन से कैंडिडेट को लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ही इसमें लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए वो ही इलिजिबल हैं 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में। ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की न्यू चेंजिंग के बारे में जो राजस्थान स्टेट ने 20 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, उसमें यह भी बताऊंगा कि कौन से स्टेट में 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कितने नंबर का फर्क पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल्स के कितने मार्क्स डाउन रह जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और इस विषय पर कोई नई अपडेट मिलेगी तो हम अवश्य लेकर आएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।